आज हम कक्षा नौवीं का क्षितिज हिंदी बुक से पाठ चार का अध्याय पढ़ेंगे। नाना साहिब की पुत्री। और नाना साहिब जी की पुत्री के बारे में पूरा डिटेल बताया है कि चपला देवी ने लेखिका है इसकी, और उन्होंने लिखा है कि व्यक्तित्व एवं प्रतीका के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई, परंतु उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी है। उनमें लेखिका चपला देवी भी रही हैं, जो कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक हैं। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहिब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला था। बालिका मैना के बलिदान की कहानी चपला देवी ने दर्शाया है। अब हम पढ़ेंगे मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, और जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव सम्मान की बात है। गौरवशाली हिंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंग से लिया गया, और इस हिंदू रचना को पिया हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए हैं, इसलिए गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अभिकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया। पाठ का सार है, 1857 ईस्वी में क्रांति के विद्रोह में असफल होने के बाद नाना साहेब कानपुर छोड़कर भाग गए। उनकी बेटी मैना ना ले जा सके वो। कानपुर में भीषण हत्याकांड हुआ और अंग्रेजों ने नाना साहिब के महल को कुछ किया, सारा लाटपाए महल को लूट लिया था। इसी के बारे में पूरा बताया, नाना साहिब की पुत्री का क्या हुआ उसके बारे में पूरा दिया। जब अंग्रेजों ने भस्म करने के लिए तोपें लगाएं तो अत्यंत सुंदर बालिका आ गई। उसने महल पर गोले बरसाने से मना किया। सेनापति पूछने पर उसने बताया कि वह पुत्री मेरी सहेली है, वह उसी में प्रार्थना करती रही, इसलिए उसकी रक्षा होती रही, वह रक्षा चाहती थी। इससे पता चला कि नाना साहिब की पुत्री है। सेनापति ने कहा कि सरकारी नौकर होने के कारण आज्ञा को नहीं टाला जा सकता, पर उसकी रक्षा करने की जरूर कोशिश करेंगे। इसी समय जब वो आता है जनरल आउटर, तो वहां पर महल ना उड़ाए जाने के कारण पूछा कि सेनापति महल और मैना को छोड़ने की गुजारिश करने लगे। आउटरम ने उसे ठुकरा दिया और नाराज होकर वहां से चला गया, और जनरल लॉर्ड कैनिंग का तार आया कि महल को उड़ाने की बात कही गई। घंटे भर में तोपों से गोलों से महल उड़ा दिया गया। लंदन के सुप्रसिद्ध अखबार टाइम्स ने 6 सितंबर को नाना साहिब की जो अंग्रेजों के हत्याकांड का दोषी पकड़े जाने पर बहुत बड़ा लेख लिया, वो पार्लियामेंट हाउस में सेनापति की रिपोर्ट पर हंसी उड़ाई गई। लेकिन नाना की कन्या पर क्षमा याचना की थी और अंग्रेजों ने नाना साहिब के लिए सगे संबंधी को मार डालने का आदेश दिया। सितंबर माह में अर्धरात्रि के समय सफेद वस्त्र पहनकर नाना साहिब महल में अवशेषों पर रो रही थी मैना। तब जनरल आउटरम पहुंचते ही उसे पहचान गए। उसे अंग्रेजों द्वारा आज्ञा अनुसार कानपुर के किले में कैद कर दिया गया। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहास वेत्ता चिटअडवीस के पत्र बाखर में चप्पा की कानपुर के लिए में एकमात्र कन्या मैना को धड़कती हुई आग में जलाकर भस्म कर दिया गया। नाना साहिब की पुत्री मैना भस्म कर दिए गई। अब इसके पाठ के शब्दार्थ हैं, पाषाण हृदय, पत्थर के समान कठोर हृदय, भीषण भय यानी भयावह भयानक डरावना, शस्त्र यानी हथियार, निरअपराध यानी बिना अपराध किए हुआ, वास स्थान निवास स्थान जहाँ हम रहते जैसे उसको निवास स्थान बोलते हैं, अल्पवश्य कम उम्र या छोटी उम्र का, विधवा विनाश कर देना या नाश करना, फाटक यानी दरवाजा, जैसे हमारे घरों के दरवाजा उसे हम कभी कभी फाटक भी बोलते हैं, भग्नावशेष अवशेष खंडहर, प्रासाद, प्रासाद यानी महल, और एक प्रसाद होता है भगवान का प्रसाद, लेकिन यहाँ प्रासाद महल बताया इसका। इतिहास वेत्ता इतिहास का जानकार। आगे हम प्रश्नों के अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया?
बालिका मैना ने सेनापति हे को महल की रक्षा के लिए निम्नलिखित तर्क दिए, जैसे अंग्रेजों के दोषी नाना साहब हैं, मकान का इसमें क्या दोष है, यह स्थान मैना को बहुत प्रिय है। अंत में मैना ने सेनापति हे को अपना परिचय देकर कहा कि वो उनकी पुत्री मेरी सहेली है। क्वेश्चन दूसरा, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? क्योंकि उत्तर है, मैना अपने मकान को बचाना चाहती थी क्योंकि यह मकान उसे बहुत प्रिय था, यह उसकी पैतृक पिता की धरोहर थी। अंग्रेज उस मकान को नष्ट कर देना चाहते थे क्योंकि यह मकान नाना जी जैसे और भी क्रांतिकारियों का ठिकाना हो सकता था। नाना जी ने अंग्रेजी सरकार को बहुत हानि पहुंचाई, इसलिए अनेक नर नारियों की हत्या की गई थी उसने। फिर है अब क्वेश्चन तीसरा, सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? आंसर है, मैना का करुणामयी मुख और उसके अल्पायु देखकर सेनापति हे को उस पर दया आई। वह उसकी पुत्री मेरी की सहेली भी थी तथा वह उसकी परिचित थी। चौथा प्रश्न है, मैना की अंतिम इच्छा की वह उस प्रसाद के ढेर पर बैठकर जी भरकर रोले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण न होने दी? आंसर है, मैना के प्रार्थना करने पर भी जनरल ने उसे अपने प्रसाद के ढेर पर रोने की नहीं दिया था, यानी अपने महल पर ढेर होने के बाद भी, समाप्त हो जाने के पास हो जाने के बाद भी उसने रोने नहीं दिया था, क्योंकि नाना साहब अंग्रेजी सरकार के दोषी थे और उनकी किसी भी साथी या रिश्तेदार को छोड़ना भविष्य के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता था, इसलिए अंग्रेजों को भविष्य के इस खतरे से भय रहा। क्वेश्चन पांच है, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? आंसर है, मैना की चारित्रिक विशेषताएं, मैना एक वाक चतुर बालिका थी, उसके मन में अपनी पैतृक धरोहर के प्रति सम्मान की भावना थी, उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं था, वह साहसी थी। चौथा है, उसमें आत्म बलिदान की भावना प्रबल थी। मैना बहुत भावुक थी, तभी मकान के जल जाने पर उसका मन दुखी हो जाता है। हम मैना की इन सारी विशेषताओं को अपनाना चाहेंगे, उसकी एक विशेषताएं उसे और उसे अलग बनाती हैं, बल्कि गुणों से युक्त मनुष्य जीवन पथ पर कभी असफल नहीं होता, उसे किसी भी प्रकार की शक्ति अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती, अतः हम उसके इन गुणों को आत्मसात करके देश तथा परिवार का नाम रोशन करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न सात है, स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के लेखन की क्या भूमिका रही होगी? तो उत्तर है, समाज के लोगों तक संदेश पहुंचाने में लेखन कला का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। लोगों के मन में अंग्रेजी सरकार के प्रति आक्रोश की भावना जागृत हुई होगी तथा उन्हें मैना के बलिदान से देशभक्ति की प्रेरणा मिली होगी। क्वेश्चन आठ है, कल्पना कीजिए कि मैना के बलिदान की यह खबर आपको रेडियो पर प्रस्तुत करनी है। इन सूचनाओं के आधार पर आप एक रेडियो समाचार तैयार करें और कक्षा में भावपूर्ण शैली में पढ़ें। आंसर है, इस प्रश्न का उत्तर छात्र स्वयं दें। बच्चों, आपको ऑनलाइन कैसा लग रहा है पढ़ाई में? आप इन प्रश्नों का आंसर अपनी किताब कॉपी में हल करें और अच्छी तरह से पढ़ें। स्वस्थ रहें।